नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंह से बदबू आने के कारण, लक्षण और घरेलू उपाय। दोस्तों, मुंह से बदबू आना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो कोई भी आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा और ना ही आपसे बात करना पसंद करेगा। ऐसी स्थिति में आपका आत्मविश्वास भी डगमगा जाएगा और कई बार ये समस्या खाने पीने की वजह से होती है या फिर मुंह से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों की वजह से। ज़्यादातर लोग अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं, दो बार ब्रश भी करते हैं, फिर भी जब वह सुबह सोकर उठते हैं तो उनके मुंह से सांस की बदबू आती है। सुबह सोकर उठने पर सबके मुंह से किसी न किसी तरह की अलग सी गंध आती है। लोग सोचते हैं कि रात को तो ऐसा नहीं था, फिर रात भर में मुँह में ऐसा क्या हो जाता है जिससे बदबू पैदा हो जाती है। पहली बात तो यह है कि मुंह में हमेशा ही कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। रात को जब हमारी लार वाली ग्रंथियां कम मात्रा में लार निकालती हैं तो इसके चलते मुंह थोड़ा सूख जाता है। इस माहौल में मुंह के कुछ बैक्टीरिया खूब फलते फूलते हैं। यह खास बैक्टीरिया सल्फर वाले व्यर्थ पदार्थ निकालते हैं और इन्हीं के कारण मुंह से बदबू आती है। असल में बैक्टीरिया को ऊर्जा मिलती है अमीनो एसिड और प्रोटीन के पाचन से। कुछ अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है जो बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने के बाद मुक्त हो जाता है। बैक्टीरिया के इस पाचन की क्रिया में सल्फर के अलावा कुछ बदबूदार गैसें भी निकलती हैं। वैसे सांस की दुर्गंध में कई चीजों का भी मिश्रण होता है। इसमें कई तरह की गैसें शामिल होती हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करने और जीभ को साफ करने से अगली सुबह सांस की दुर्गंध में कमी लाई जा सकती है। लेकिन मुंह के बैक्टीरिया रात को जब बंद जगह में नमी पाते हैं तो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हुए 600 भी ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं। सांस की बदबू से बचने के लिए कई लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल भी करते हैं। असल में माउथ वॉश में पाए जाने वाले जाइलिटॉल, ट्रिक्लोजान और एसेंशियल ऑयल जैसे पदार्थ बैक्टीरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। लेकिन सच तो यह है कि थोड़े ही समय बाद यह भी बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाते हैं। इसलिए सुबह मुंह से ऐसी दुर्गंध आती है। लेकिन इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि बदबू बहुत तेज हो तो यह हेलिटोसिस की स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा दांतों में कैविटी, मसूड़ों में सड़न और टॉन्सिल होने पर भी दुर्गंध बढ़ जाती है। दोस्तों, ये था सुबह मुंह से बदबू आने का कारण। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से दिन भर बदबू आती है तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर एक, दोस्तों बदबू की समस्या को खत्म करने के लिए उसके कारण को जानना बेहद आवश्यक है। कई बार कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन या फिर कुछ बीमारियां मुंह की बदबू का कारण हो सकती है। नंबर दो, मसूड़ों की बीमारी या शरीर में जिंक की कमी या डायबिटीज के कारण भी मुंह से बदबू आ सकती है। इसके लिए आप जिंक से भरपूर चीजें खाएं और मुंह को साफ रखने के लिए समय समय पर कुल्ला करते रहें। नंबर तीन, अधिक मसालेदार खाना, प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, काली मिर्च का सेवन मुंह की बदबू का कारण बन सकता है। इनका प्रयोग भी आप कम से कम करें और जब भी करें तब कुल्ला या ब्रश करके मुंह को जरूर साफ करें। नंबर चार, अगर आप अधिक समय तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं तो यह भी मुंह से बदबू आने का कारण बन सकता है। इसलिए सही समय पर भोजन करें और दांतों में फंसे हुए भोजन को हमेशा साफ रखें। नंबर पाँच, मुंह में सूखापन बना रहना भी बैक्टीरिया पनपने के कारण बदबू पैदा कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर पानी पीते रहें और या फिर माउथ वॉश और माउथ फ्रेशनर का सेवन करते रहें। नंबर छः, ठीक से पाचन ना होने और पेट खराब होने के कारण भी मुंह से बदबू आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि खाने के बाद कुछ देर वॉक करें या फिर पाचक चीजों का सेवन करें। नंबर सात, धूम्रपान या मादक पदार्थों का सेवन अधिक करना। नंबर आठ, तेलीय पदार्थ वाले आहार खाना। नंबर नौ, दांतों की सफाई में कमी या फिर दांतों की बीमारियां होना। नंबर दस, दांतों में कीड़ा लगना। दोस्तों, मुंह में बदबू आने का एक कारण दांतों में कीड़ा लगना भी हो सकता है। कई बार हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और काले काले दाग आ जाते हैं।
और ये दांत के कीटाणु हमारे मुंह में बदबू फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। नंबर 11, मुंह में कैंसर या फिर मुंह में छाले होना। नंबर 12, शरीर में किसी बीमारी का होना, जैसे डायबिटीज या फिर लीवर की बीमारी होना, गुर्दे की बीमारी होना या फिर फेफड़े की बीमारी होना, नाक, साइनस, गले और फेफड़े में बैक्टीरिया की वजह से गैसों का बनना आपके मुंह की बदबू का कारण बन सकती है। नंबर 13, मुंह में घाव होना या मुंह के संक्रमण से दांतों में पस आना या फिर पायरिया होना। इसके अलावा रात में कृत्रिम दांतों को पहनकर ही सो जाना या फिर उनकी नियमित सफाई ना करना भी आपके मुंह की बदबू की समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मुंह से बदबू आने के लक्षण, जैसे बुखार होना, गले में छाले होना, नाक बहना, बलगम वाली खांसी होना या फिर मुंह की बदबू की समस्या के साथ आपके दांतों का गिरना, मसूड़ों में दर्द व सूजन और मसूड़ों से खून निकलना आदि। दोस्तों, अब हम जानेंगे सांसों की बदबू से बचने के घरेलू टिप्स। नंबर 1, सुबह और रात को ब्रश करें। बहुत से लोग बस एक बार ब्रश करते हैं, यानी कि सुबह ब्रश करते हैं, लेकिन आपको दो बार ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए। एक तो सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। ऐसा करने से आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। नंबर 2, जीभ को साफ करना। दोस्तों, बहुत से लोग ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन आप आज से ही टंग क्लीनर से जीभ को साफ करने की आदत जरूर बनाएं। खाने पीने की वजह से जीभ पर एक परत जमती जाती है जो बदबू का कारण बन जाती है, जिसके कारण आपके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए रोज टंग क्लीनर से जीभ को जरूर साफ करें। नंबर 3, ग्रीन टी के इस्तेमाल से। ग्रीन टी के इस्तेमाल से मुंह की बदबू को कम किया जा सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं, जिससे दुर्गंध दूर होती है। नंबर 4, खूब पानी पिएं। पानी पीने से मुंह फ्रेश बना रहता है और दांतों में फंसे खाने के कण निकल जाते हैं, जिससे मुंह में खाना सड़ता नहीं है और मुंह बार बार साफ होता रहता है, जिससे दुर्गंध नहीं आती है। इसके अलावा जब भी आप कुछ खाएं पिएं तो आप खुला जरूर करें। नंबर 5, सूखा धनिया। सूखा धनिया भी एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। इसे मुंह में रखकर चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। नंबर 6, तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्ती चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। साथ ही मुंह में अगर कोई घाव है या फिर छाले हैं तो तुलसी उसके लिए भी फायदेमंद है। नंबर 7, सरसों के तेल और नमक से मसाज। आपको हर रोज दिन में एक बार सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर मसूड़ों की मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं और बदबू पनपने का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 8, लौंग और सौंफ के सेवन से। मुंह में लौंग रखकर चूसने से बदबू तो कम हो जाती है, साथ ही आपके दांतों के दर्द में भी ये रामबाण उपाय है। सौंफ चबाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। नंबर 9, अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की कोमल पत्तियों को चबाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। नंबर 10, खट्टे फलों का सेवन करें। कुछ लोगों को खट्टे फल अच्छे नहीं लगते, जिसके कारण से वे कभी भी इस तरह के फल नहीं खा पाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि खट्टे फल आपकी मुंह से दुर्गंध आने की समस्या को हल कर सकते हैं? इनमें मौजूद तत्व मुंह की बदबू को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। मुंह को लंबे समय तक खाली रखने से भी ये समस्या हो जाती है। इसलिए रोजाना विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। विटामिन सी से आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। नंबर 11, दालचीनी। दालचीनी आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ आपकी इस समस्या का भी उपचार करते हैं। इसमें मौजूद गुड़ मुंह के बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम करते हैं। इसके लिए दालचीनी के एक टुकड़े और अजवाइन के साथ बराबर मात्रा के पानी को एक साथ मिलाकर उबाल लें। इसके बाद आप इस मिश्रण से गरारे करें, इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 12, नीम की पत्तियाँ। दोस्तों, नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह की सभी तरह की समस्या को खत्म करने का काम करते हैं। सांसों की दुर्गंध को खत्म करने के लिए नीम की पत्तियों को धोकर सुखा लें और फिर इसे एक बर्तन में डालकर जला लें और इसके बाद बनी हुई राख में सेंधा नमक मिलाकर प्रतिदिन आप 2-3 बार इससे मंजन जरूर करें। इससे आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप नीम की दातुन भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 13, इलायची खाएं।
दोस्तों, इलायची मुंह को फ्रेश रखने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर आपके मुंह से जब भी बदबू आए तो आप अपनी जेब में इलायची के पैकेट रख लीजिए और बदबू आने पर इलायची का सेवन करें, इससे आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। नंबर 14, नमकीन पानी से कुल्ला करें। दोस्तों, यदि ब्रश करने के बाद भी आपके मुंह से बदबू आती है तो आप गर्म पानी में हल्का सा नमक डालें और उस पानी से कुल्ला करें, इससे आपके मुंह के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और आपके मुंह से आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी। नंबर 15, माउथ फ्रेशनर यूज करें। दोस्तों, यदि आपके मुंह से बदबू आती है तो आप किसी भी मेडिकल शॉप पर जाएं और वहां से माउथ फ्रेशनर खरीद लें और आप दिन में एक बार माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। नंबर 16, अनार की छाल। अनार के छिलके को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। दोस्तों, ये थे मुंह से बदबू आने की समस्या को खत्म करने के घरेलू टिप्स। दोस्तों, अब हम जानेंगे सांसों की बदबू को दूर करने के कुछ खास टिप्स। नंबर 1, दोस्तों, मुंह की बदबू दूर करने के लिए अजवाइन भी एक बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। इसमें मौजूद गुड़ मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। नंबर 2, सांस की बदबू को दूर करने के लिए आप मेथी से बनी हुई चाय का भी सेवन कर सकते हैं, इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया दूर हो जाएंगे। नंबर 3, पान में इलायची और पुदीना डालकर उसे चबाने से भी सांस की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 4, रोजाना खाना खाने के बाद आप इलायची का सेवन जरूर करें या फिर इसकी पत्तियां चबाएं। ऐसा करने से पायरिया जैसे रोगों से भी निजात पाई जा सकती है। नंबर 5, जितना हो सके आप उतना ज्यादा पानी पिएं। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। नंबर 6, अगर हो सके तो मसालेदार भोजन का सेवन कम करें और हरी ताजी सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। नंबर 7, इलायची और लौंग को पीसकर उनका तेल बनाकर दांतों में लगाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। नंबर 8, त्रिफल की जड़ की छाल को मुंह में रखकर चबाने से भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। नंबर 9, सेब के सिरके का प्रयोग भी सांस की दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरके को मिलाएं और उससे आप कुल्ला करें, इससे भी आपकी मुंह की दुर्गंध की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 10, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। नंबर 11, जीरे को भूनकर खाने से भी सांसों की दुर्गंध की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 12, रोजाना भोजन करने के बाद तुलसी के पत्ते या इलायची चबाएं, इससे भी सांसों की दुर्गंध दूर होगी। नंबर 13, पुदीने को पीसकर पानी में घोलें और दिन में 2 या 3 बार इस पानी से कुल्ला करें, इससे भी आपकी सांसों की दुर्गंध दूर होगी। नंबर 14, रोज सुबह 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर इस पानी से कुल्ला करें, ऐसा करने से भी आपके मुंह की दुर्गंध की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 15, धूम्रपान ना करें और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों का उपयोग भी ना करें। नंबर 16, अपने आहार में प्याज, लहसुन और मसालेदार भोजन से दूर रहें। मीठा भी कम खाएं क्योंकि उससे भी मुंह में बदबू उत्पन्न होती है। कॉफी और शराब का सेवन कम करें। नाश्ते में साबुत अनाज का प्रयोग करें जिससे आपकी जीभ के पीछे के हिस्से को साफ करने में आसानी हो। अगर आपने नकली दांत लगवा रखे हैं तो आप रोज उन्हें जरूर साफ करें। मुंह की सफाई से आप बैक्टीरिया को बनने और मुंह में इनके अंदर जाने की संभावना को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।